हेलो फ्रेंड, दिस इज वर्जड वीक। स्वागत करता हूँ अपने चैनल फिट जॉब में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ RRB ELP टेक्नीशियन रिजल्ट के बारे में। काफ़ी लंबे समय से जो है इसका वेट चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से कैंडिडेट इसके लिए परेशान थे। फाइनली RRB ने सबकी परेशानी जो है सॉल्व कर दी है, सबकी जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पे कई सारे वीडियोस बन रहे थे कि इस दिन रिजल्ट आ जाएगा। फाइनली RRB ने इसका जो है झमेला ही ख़त्म कर दिया है और उन्होंने एक डेट जो है प्रकाशित कर दी है ऑफिशियल नोटिस के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है और इसके रिगार्डिंग जो है एक नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। और कई कैंडिडेट्स के ये भी सवाल थे कि जो CBT 2 है एग्ज़ाम किस डेट से होगा, इनका ये भी जो है समस्या थी, इसको भी जो है काफ़ी हद तक समाधान कर दिया गया है, इसका जो ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ज़रूर दबा दें, इससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेंगे ताकि मेरे वीडियोज़ आप सबसे पहले देख पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़कर जान लेते हैं कि वो नोटिस क्या है। फ्रेंड्स, अभी मैं जो हूँ RRB ELP टेक्नीशियन के बारे में जो ये वीडियो है, और इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो क्या है और किस डेट को ये प्रकाशित हुई है, क्या ये ऑफिशियल है या नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मेरे सामने जो RRB इलाहाबाद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने इसको ओपन करके रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सबसे पहला नोटिस है 30/10/2018, यानी आज के डेट में जो है ये जो नोटिस है जो ये जारी की गई है। और यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं कि नोटिस टू कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेट CBT फॉर द पोस्ट ऑफ ALP एंड टेक्नीशियन अंडर SEN 01/2018, यानी जो है CBT 2 के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी कर दी गई है। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ सिंपली, देन यहाँ पर जो है मैंने जो नोटिस जो है उसको डाउनलोड रखने की जो है कोशिश मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे ही डाउनलोड हो जाता है सेकंड नोटिस, और ये जो है अपने आप यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हम उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा समय जो है RRB ने ले लिया है इसको जो है रिजल्ट को प्रकाशित करने के समय में, क्योंकि लिए कैंडिडेट्स को काफ़ी मौका दिया गया पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, एक बार दो बार ऐसे ही आंसर की में भी इसी तरह से हुआ। आंसर की को भी मतलब री मैचिंग और उसको सुधार करने में काफ़ी हद तक जो बोर्ड ने है काफ़ी लंबा समय ले लिया, और बोर्ड अब नहीं चाहती है कि बोर्ड अब कोई भी गलती करे, और इसीलिए जो है रिजल्ट में इतना समय लग रहा है ताकि वो रिजल्ट जो आए वो फाइनली जो है रिजल्ट एकदम जो है अच्छी तरीके से बना हुआ रिजल्ट हो। और यहाँ पर जो है आपका नोटिस है काफ़ी हद तक जो है डाउनलोड होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड, और जैसे ही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, और ये जो है नोटिस अपने आप ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिस डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स यानी RRB, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर SEN 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो है ये नोटिस जारी की गई है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड स्टेज CBT यानी CBT 2, द रिजल्ट प्रोसेसिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेज CBT इज इन फाइनल स्टेज, यानी आखिरी जो चरण है इसका मतलब पूरा हो रहा है इसके रिजल्ट के चक्कर में। और यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट फॉर सेकंड स्टेज CBT और CBT फॉर ईच RRB बेस्ड ऑन देयर मेरिट एंड पोस्ट प्रेफरेंस, यानी जो सेकंड स्टेज CBT का जो मेरिट लिस्ट है वो जो है पर RRB यानी RRB प्रत्येक RRB अपना अपना जो है मेरिट लिस्ट को जारी करेगा, और इसका जो है मेरिट लिस्ट है वो तैयार हो रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं द मेरिट एंड पोस्ट प्रेफरेंस इज लाइकली टू बी पब्लिश्ड ऑन और बिफोर 5th नवंबर, या तो 5 नवंबर को या 5 नवंबर के पहले जो है आपका जो रिजल्ट का और मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द एक्चुअल मार्क एंड नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट, यानी नॉर्मलाइज स्कोर के साथ जो है आपका रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा 5 नवंबर या 5 नवंबर के पहले तक। सो फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर देख लीजिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट दैट द सेकेंड स्टेज CBT इज लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 19 नवंबर 2018, यानी पूरा संभावना है कि जो सेकेंड स्टेज CBT है वो 19 नवंबर से जो है आपका स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पर एक बात और दे रखा है कि जो सिलेबस है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिए जाएंगे, एक लिंक वहाँ पे एक्टिवेट होगा, उस लिंक से आप अपने ट्रेड वाइज जो है सिलेबस आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पर नोटिस का जो डेट दिया है 30/10/2018 चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा ये नोटिस जारी हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद बेल को जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, और शेयर करते रहिएगा वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फ्रेंड।